तो गाइस वेलकम बैक। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिविडेंड डेट्स के बारे में। सो दोस्तों, डिविडेंड से जुड़ी मेन चार डेट होती हैं। पहली डेट होती है डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, दूसरी होती है रिकॉर्ड डेट, तीसरी होती है एक्स डिविडेंड डेट और चौथी होती है डिविडेंड पेमेंट डेट। इन सब के बारे में बात करेंगे डिटेल में। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही लाइक भी करिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट की। ये वो डेट होती है जब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस करते हैं कि हाँ भाई, अब डिविडेंड मिलने वाला है, और साथ ही साथ ये भी अनाउंस करते हैं कि कितना डिविडेंड मिलेगा, यानी कि डिविडेंड का जो अमाउंट है पर शेयर आपको कितना डिविडेंड मिलेगा, ये साथ ही साथ डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट में मेंशन होता है। दूसरी डेट होती है दोस्तों रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है कि जिस दिन कंपनी की शेयर होल्डर लिस्ट में आपका नाम होता है। अगर आपका नाम रिकॉर्ड डेट की लिस्ट में नहीं है तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब जैसे कि कंपनी की रिकॉर्ड डेट है 1st of April, तो हर उस शेयर होल्डर को जिसका नाम 1st of April को कंपनी की शेयर होल्डर लिस्ट में होगा, उसको डिविडेंड मिलेगा। यानी कि इसका ये भी मतलब है कि रिकॉर्ड डेट के दिन अगर कंपनी की शेयर होल्डर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। आई होप रिकॉर्ड डेट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं एक्स डिविडेंड डेट की। अब जैसा कि हमने इस एग्जांपल में बात किया है कि अगर कंपनी का रिकॉर्ड डेट 1st of April है, अब मान लेते हैं किसी बंदे ने 1st of April को कंपनी का शेयर खरीदा, तो क्या वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल होगा? तो दोस्तों आंसर है नहीं, क्योंकि इंडिया में T+2 का सेटलमेंट चलता है, जिसके हिसाब से अगर उसने 1st April को शेयर खरीदा तो उसके अकाउंट में ये 3rd April को क्रेडिट होगा, यानी कि 2 दिन बाद। यानी कि T+2 के हिसाब से अगर वो 29 मार्च को कंपनी का शेयर खरीदता तो 1st April की रिकॉर्ड डेट में उसका नाम होता। इसीलिए एक्स डिविडेंड डेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले की रखी जाती है। यानी कि अगर आपने एक्स डिविडेंड डेट से पहले शेयर खरीद लिया तो आपका नाम रिकॉर्ड डेट में आ जाएगा और आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो दोस्तों याद रखिए, अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आपको एक्स डिविडेंड डेट से पहले शेयर परचेज करना है। और इसके बाद हमारी सबसे पसंदीदा डेट डिविडेंड पेमेंट डेट आती है। डिविडेंड पेमेंट डेट वही डेट है जब आपका डिविडेंड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।